नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। संयुक्त किसान मोर्चा नगराना टोलनाका संगरिया ने आज पीएमओ दीपक मित्र सैनी को राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में पहुंचकर 1 लाख रुपए के ऑक्सीजन रेगुलेटर दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि 37 रेगुलेटर आज पीएमओ हनुमानगढ़ को मोर्चे की तरफ से भेंट किए गए हैं, जिसकी आवश्यकता वास्तव में थी। ऑक्सीजन जो कोरोना रोग के पॉजिटिव रोगी हैं उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम आएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडरों को लगाने के लिए ऊपर जो लगते हैं ऑक्सीजन रेगुलेटर, जो है 37 रेगुलेटर देने के बाद यहाँ एक और राजकीय चिकित्सालय में इनकी जो कमी चल रही थी उसकी कमी की पूर्ति होगी। वहीं आपको बता दें कि भामाशाहों के द्वारा समय समय पर अब कोरोना पॉजिटिव रोगियों को सुविधाएं देने के लिए, उनके रोग के बचाव के लिए साधन, अलग अलग तरह के साधन भामाशाहों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को लगातार सौंपे जा रहे हैं, जिससे पॉजिटिव रोगियों के इलाज में अब सुविधा होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि राय साहब जो किसान नेता है उनका इस संबंध में क्या कहना है। आज संयुक्त किसान मोर्चा टोलनाका संगरिया की तरफ से समस्त किसानों द्वारा एक सहयोग के रूप में 1 लाख रुपए के ऑक्सीजन रेगुलेटर, जिनकी जिला अस्पताल में इस समय सख्त ज़रूरत थी, पीएमओ साहब ने बताया कि हमें ऑक्सीजन रेगुलेटर जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम सब ने सबके सहयोग से लगभग 37 ऑक्सीजन रेगुलेटर आज पीएमओ साहब को हमने भेंट किए हैं। और हमने ये कहा है कि आगे भी अगर हमारे से जो भी सहायता होगी इस महामारी से बचने के लिए, हम पूर्ण रूप से जिला अस्पताल का सहयोग करने के लिए अग्रेसिव रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा नगरान टोलनाके के द्वारा जो आज ऑक्सीजन रेगुलेटर पीएमओ हनुमानगढ़ को दिए गए, उसके संबंध में पीएमओ हनुमानगढ़ का क्या कहना है, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज संयुक्त किसान मोर्चा टोलनाका संगरिया की तरफ से हमें ऑक्सीजन रेगुलेटर्स दिए गए हैं, जिनकी हमें बहुत आवश्यकता थी। ये किसी भी कीमत पे अभी मिल नहीं रहे हैं। हम लोगों ने भी ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन हमारा ऑर्डर भी अभी नहीं, हमें मिल नहीं पाए हैं, लेकिन इन लोगों ने फटाफट इनको 3 दिन के अंदर ही हमें उपलब्ध कराए हैं। इनका बहुत बहुत आभार, ये रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोरोना काफ़ी है, बेड की संख्या पहले 135 थी, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 160-170 तक ले गए थे, अब 180 कर दिए हैं, लेकिन ऑक्सीजन बेड 145 हैं अभी और 35 बेड वैसे। खुशी क्या होती है साहब, ये सबका है, क्योंकि अकेली लड़ाई हम थोड़ी लड़ेंगे, अकेली लड़ाई सबकी, सारी जनता को, सबको साथ लेके मिल चले जाएगा, तभी तो बहुत अच्छा लगता है, तभी हमारा हौसला बढ़ता है। कलम न्यूज की तरफ से भी निवेदन है वामाशाओं से, और जो समर्थ है रखते हैं वे आगे आएं, और इस समय संकट की घड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा साधन उपलब्ध कराने के लिए आगे आएं, ताकि कोरोना पॉजिटिव रोगियों की इलाज हो सके। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।